नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। पिछले कई दिनों से रीवा शहर में उत्पात मचाने वाला बाइकर्स गैंग पुलिस के हत्थे आखिर चढ़ ही गया। पुलिस ने बाइकर्स गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से बुलेट गाड़ी, पल्सर, पैसे, राड, डंडे बरामद करने में सफलता पाई है। रीवा शहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बाइकर्स गैंग को लूट की घटनाओं के अलग अलग इलाकों में अंजाम देने की घटनाएं निकलकर सामने आ रही थी। बीते दिन एक साथ कई लोगों के बाद पुलिस सक्रिय हुई। 4 घंटे के अंदर ही गठित दल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। आरोपियों के पास से लूटा गया सामान पुलिस बरामद करने में सफल रही है। इसी के साथ पुलिस ने लूट में इस्तेमाल बुलेट, मोटरसाइकिल, पल्सर, 200 सीसी, डंडा, राड और लूटी गई राशि के साथ अन्य दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। आज रीवा के पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल SP अनिल सोनकर ने मामले का खुलासा करते हुए कहा, पिछले कई दिनों से रीवा शहर के बाहरी हिस्से में बनी सड़क जैसे करहिया रोड, नीम चौराहा सहित अन्य इलाकों में पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी। कुछ लोग मोटरसाइकिल से आते हैं, लोगों को रोकते हैं, उनके साथ लाठी डंडे से मारपीट करते हैं, मोबाइल, पैसे, जो भी कागजात हों उनको छीनकर भाग जाते हैं। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया, एक टीम बनाई। बीते दिन इस गिरोह ने लगातार रात में 3 वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस चौकन्नी थी। तत्काल ही 5-6 घंटे के अंदर ही पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई। कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने अपनी कई वारदातों को कबूला है। फिलहाल अभी 8 वारदात उनके द्वारा लूट की गई है, ये बात निकलकर सामने आई है। गिरफ्तार आरोपियों की बात की जाए तो पोखरी टोला समान थाना निवासी अनुज द्विवेदी, पिता स्वर्गीय अर्जुन द्विवेदी, उम्र 20 साल, विपिन उर्फ बीजू सेन, पिता जगजीवन प्रसाद सेन, निवासी पोखरी टोला समान थाना, आजाद कुशवाहा, पिता सोमनाथ कुशवाहा 18 साल, ललपा तालाब पकड़े गए हैं। पुलिस ने इनको कड़ाई से पूछा तो इन्होंने 8 वारदातें करना कबूल किया है। आइए आपको सुनाते हैं पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल SP अनिल सोनकर ने क्या कुछ बताया। 27-28 की मध्य रात्रि में एक मोटरसाइकिल में 3 सवार लोगों ने लगातार 3 घटना की। पहली घटना उनने जोरी गांव में सुरेंद्र कुमार मिश्रा, ये अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, इसको रोक करके लूटा। दूसरी घटना जो है उनने रात्रि 12:30 बजे सिलपरा में किया, इसमें ब्रजेश अग्निहोत्री के साथ मारपीट करके उनका 3500 रुपये जो है की लूट की और एक मोबाइल था। इसी तरह वो उनने सुबह भोर में लगभग 5 बजे के आसपास जयप्रकाश द्विवेदी को टारगेट बनाया और उसके साथ मारपीट करके उनसे थैला, मोबाइल और 800 रुपये नकद छुड़ा लिए। इस घटना की सूचना सुबह लगभग 8 बजे पुलिस को मिली। जैसे ही सूचना मिली, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस कप्तान ने सबको सक्रिय किया। इसमें नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी और शहर के उनके सभी थाना प्रभारी और हमारे साइबर टीम की अधिकारी, थाना सिविल लाइन बिछिया, चोरेटा विश्वविद्यालय, अमैया, इन सब के थाना प्रभारियों ने मिल करके तत्काल अपनी टीमें बनाई और विभिन्न दिशाओं में उस टीम को लगाया गया। साइबर ने अपने मोर्चा संभाल करके उनके सारे लोकेशन ट्रेस किए और हम 4 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा कर लिया। आरोपी पुलिस की अभिरक्षा में है,
आरोपी जो है जिस मोटरसाइकिल से घटना की थी वो मोटरसाइकिल, जिन लोगों से साथ लूट की थी उनकी सामग्री, सभी के साथ वो बरामद हुए हैं, उनसे बरामद किया गया है। और पूछताछ के दौरान जब पुलिस टीम ने उनसे पूछताछ किया है तो उनने पिछली 5 घटनाओं का भी खुलासा किया है जो आपके प्रेस नोट में हमने आपको दिया है उसकी डिटेल। इस तरह टोटल 8 घटनाओं को करने का जो है स्वीकार किया है। ये 3 आरोपी अनुज दुबे हैं, उनका 2 साथी जिनके साथ में ये अपराध किए थे, एक बिज्जू उर्फ विपिन नापित है जो लोही के पास का रहने वाला है, तीसरा जो है आजाद कुशवाहा ये ललपा अमैया का रहने वाला है, ललपा तालाब के पास अमैया, इनको गिरफ्तार किया गया है, इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। अभी जो पिछले मामले हैं उनके संबंध में भी अभी पूछताछ जारी है। आज हम उनको जो है गिरफ्तार करके PR लेंगे और PR प्राप्त करके आगे की कार्रवाई के लिए जो पिछली घटनाएं हैं उसके खुलासा के लिए प्रयास किया जाएगा। ये एक पुलिस की बड़ी सफलता थी जिसमें TSP और उनकी पूरी टीम जो है साइबर के सहित बहुत सक्रियता से और तत्परता से काम करने पर कुछ ही घंटों में इस घटना का खुलासा किया है। इन सभी टीम को हम और पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर पर जो है वाजिब इनाम दिया जाएगा। सर ये